कहानी की शुरुआत टाइलर के पिछले मिशन के एंड से होती है। हमने देखा था कि एक्सट्रैक्शन 1 में टाइलर को गले में गोली लग गई थी और वो पानी में गिर गया था, जिसके बाद अब टाइलर की टीम उसे ढूंढ लेती है और उसे ठीक करने के लिए सीधे दुबई ले आती है, जहां टाइलर का इलाज चलता है और वो 9 महीनों के लिए कोमा में चला जाता है। और फिर 9 महीनों बाद जब उसे होश आता है तो उसके सामने निक थी, जिसके कुछ दिनों बाद टाइलर जब चलने फिरने लायक हो जाता है तो निक टाइलर को रिटायरमेंट की जिंदगी जीने के लिए कहती है, जिसके लिए वो लोग टाइलर को जॉर्जिया ले आते हैं और उसे उसके डॉग के साथ रिटायरमेंट की जिंदगी जीने के लिए छोड़ देते हैं। पर जाने से पहले निक टाइलर को एक बॉक्स देती है जिसमें कि टाइलर के बेटे की कुछ आखिरी निशानियां थी। वो टाइलर से ये भी कहते कि वो खुद को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार न माने, जिसके बाद निक और उसका भाई यहां से चले जाते हैं और फिर टाइलर भी अपने इस नए घर में अपने डॉग के साथ रहने लग जाता है। पर कुछ दिनों बाद उसके पास एल्कोन नाम का एक आदमी आता है जो टाइलर से एक काम करवाना चाहता था, लेकिन टाइलर उसे पहले तो सीधे मना कर देता है। पर जब एल्कोन उसे बताता है कि उसे उसकी एक्स वाइफ ने भेजा है तो टाइलर उसकी बात को मान जाता है। इसके बाद एल्कोन उसे बताता है कि इस बार उसे अपनी एक्स वाइफ की बहन को बचाकर उन तक सही सलामत पहुंचाना है, जिसे कि उसके हस्बैंड ने अपने साथ जेल में रखा था। इसके बाद वो उसके हस्बैंड के बारे में डिटेल देता है कि जोराब और उसका भाई डेविड जॉर्जिया के सिविल वॉर से बचने के लिए आर्मेनिया भाग आए थे, जहां उनका साथ उनके अंकल ने दिया था। पर इधर आर्मेनिया पहुंचने के बाद दोनों भाइयों को समझ आ गया कि अगर वो ऐसे ही भागते रहे तो वो लोग यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे और मारे जाएंगे, इसलिए उन दोनों भाइयों ने जुर्म का रास्ता अपना लिया और फिर नगाजिया धर्म के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर थे उन सभी को ये दोनों भाई अपनी फैमिली की तरह रखते थे, इसलिए वो सभी इन दोनों भाइयों के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। और फिर तब से जॉर्जिया पर सिर्फ उन दोनों भाइयों का ही राज चलता था, लेकिन US गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से डेविड को वहां की लोकल अथॉरिटीज ने गिरफ्तार कर लिया। पर जोरावर ने अपने भाई के लिए जेल में भी पूरा ऐसो आराम बना दिया और उधर डेविड की रखवाली के लिए दो दुश्मन गैंग भी थी। और डेविड इधर जेल में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था, जहां वो अपनी बीवी को मारा पीटा करता था। और उसकी बीवी थी टाइलर की एक्स वाइफ की बहन, जो कि अपने बच्चों को इस जेल में इन खतरनाक क्रिमिनल्स के बीच पालना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे क्रिमिनल्स बने। और दूसरा, डेविड अपनी बीवी केटविन से बहुत बुरा व्यवहार करता था और उसे मारते रहता था, इसलिए अब टाइलर को डेविड की इस क्रिमिनल से भरी जेल में से केटविन और उसके बच्चों को सही सलामत लाना था। तो अब टाइलर जल्द से जल्द अपने आप को पहले की तरह रिकवर कर लेता है और फिर निक को कॉल करता है। निक उसकी बात सुनकर हिचकिचाती तो है, लेकिन फिर वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद टाइलर अपनी टीम के साथ उस जेल में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। और फिर जब टाइलर केटविन और उसके बच्चों को लेकर जेल से बाहर आ रहा था तो उन्हें जेल का एक क्रिमिनल देख लेता है और फिर वो जेल के सभी लोगों को अलर्ट कर देता है, जिसके बाद वो सभी लोग हर जगह से इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इन अटैक्स में एक जगह पर जोराब का भाई डेविड भी टाइलर पर हमला करता है, लेकिन टाइलर उसके साथ लड़कर उसे जान से मार देता है, जिसके बाद टाइलर केटविन और उसके बच्चों को जेल से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन अब तक जेल के सभी कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे और वो जेल के दोनों गैंग एक दूसरे से लड़ रही थी। अब इधर टाइलर को इन दोनों गैंग के बीच से केटविन और उसके बच्चों को अपने साथ जेल के बाहर अपनी टीम तक पहुंचाना था, इसलिए अब टाइलर केटविन और उसके बच्चों को इन गैंग वालों से बचाते हुए इनके बीच से जाता है। पर ये सभी अब उस पर भी टूट पड़ते हैं और फिर यहाँ शुरू होता है 21 मिनट का नॉन स्टॉप वन टेक एक्शन सीन, जिसमें टाइलर इन सबको मारते हुए आगे बढ़ते रहता है और अपनी टीम के पास पहुँचता है। अब इन सभी को यहाँ से जल्द निकलना था, क्योंकि उधर नगाजीज गैंग के मेंबर इनके पीछे पड़ चुके थे, इसलिए अब ये सभी अपनी गाड़ियों से उन लोगों से बचते हुए एक ट्रेन तक पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जोराब के आदमी चॉपर लेके आ जाते हैं और वो लोग इन पर मशीन गन वगैरह से हमला कर देते हैं और फिर ट्रेन में भी आ जाते हैं, जहाँ कुछ लोगों की निक के साथ लड़ाई होती है और इनकी लड़ाई के चक्कर में ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाता है और आगे ट्रेन का ट्रैक चेंज हो रहा था, जिससे इधर इस ट्रेन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन टाइलर और ये सभी लोग अभी बचे हुए थे। यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जेल सीन से इस ट्रेन के एक्सीडेंट सीन तक सिर्फ वन टेक एक्शन सीन था, जिसे आप देखने में ज्यादा एंजॉय करोगे। खैर, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब ये सभी इधर से जाने वाले थे तो डेविड का बेटा यानी कि सैंड्रियो अपनी मॉम से अपने डैड के बारे में पूछता है, तो इधर उसकी मॉम उसे बता देती है कि टाइलर के हाथों वो मारा गया, जिससे सैंड्रियो टाइलर पर गुस्सा होता है क्योंकि वो अपने बाप से बहुत प्यार करता था। लेकिन टाइलर उसे कहता है कि अगर वो उसे नहीं मारता तो वो उसकी मॉम को ही मार देता है। सैंड्रियो अभी भी कंफ्यूज था कि उसे अब क्या करना चाहिए। और उधर जोराब को अपने भाई डेविड की लाश मिलती है, जिसे देखने के बाद वो गुस्से में पागल हो जाता है और अपने भाई को ही दो चार चपेटे मार देता है, इसलिए कि वो मर गया। और इधर जब सैंड्रियो को मौका मिलता है तो वो जोराब को कॉल करके बता देता है कि वो लोग कहां जा रहे हैं। और फिर निक और टाइलर इन सबको लेकर वियना में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब इनके पीछे
पीछे सैंड्रू की वजह से जोरा भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचने वाला था। वियन्ना में पहुँचने के बाद टायलर सैंड्रू के साथ बात करता है। सैंड्रू को अभी भी लगता था कि उसके डैड सही थे और उसके डैड ने जो कुछ भी किया वो उनकी फैमिली को नगाजी के दुश्मनों से बचाने के लिए किया था। इधर टायलर उसे समझा रहा होता है तो वो गुस्से में टायलर से कह देता है कि जैसे भी थे उसके डैड वो उनके साथ थे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि टायलर अपने बेटे के मरने टाइम पर उसके साथ नहीं था, वो तब भी अपने एक मिशन पर गया हुआ था और इस बात का गिल्ट टायलर को आज तक है। अब इधर टायलर सैंड्रू को समझाता है कि उसके डैड सही नहीं थे, वो अपनी ही तरह तुम लोगों को भी क्रिमिनल बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मॉम तुम लोगों के साथ जैसे तैसे उस जेल में भी रही और वहाँ डेविड उसे जब चाहे टॉर्चर करता रहता था और फिर वो उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी मॉम ने तुम लोगों के लिए सहा है। अब ये सुनने के बाद सैंड्रू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टायलर को बता देता है कि उसने आपको यहाँ की लोकेशन बता दी है, लेकिन अब तक जोराब इधर अपने आदमियों के साथ पहुँच गया था। वो इस बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर के जरिए हमला करवा देता है और फिर वो उस चॉपर को उनके ही छत पर लैंड करवाता है और फिर ये लोग ऊपर और नीचे से इस बिल्डिंग को घेरना शुरू कर देते हैं। अब टायलर और उसकी टीम इधर से छत की तरफ जाती है ताकि वो लोग ऊपर इन लोगों को मारकर उनके ही चॉपर से यहाँ से निकल जाए, पर मौका देखकर सैंड्रू यहाँ से भागकर जोराब के पास चला जाता है। निक का भाई उसे लेने के लिए उसके पीछे जाता है पर अब तक जोराब उसे अपनी गाड़ी में बैठा चुका था और वहाँ दूसरी तरफ टायलर और निक जोराब के आदमियों से लड़ रहे होते हैं। इधर लड़ते लड़ते निक बेहोश होकर बिल्डिंग के पैनलों पर गिर जाती है और वो अब धीरे धीरे उन पैनलों से फिसल रही होती है। टायलर जब उसे देखता है तो वो जल्दी से उसे बचाने के लिए उस पैनल पर जाता है और वो उस पैनल को तोड़कर निक को गिरने से पहले पकड़ लेता है। तभी इधर पर जोराब भी पहुंच जाता है जो टायलर के हाथ पर गोली मारता है, पर फिर भी टायलर निक को नहीं छोड़ता और अब जोराब टायलर को हेडशॉट मारने वाला था तो तभी निक होश में आ जाती है और वो गोली चलाकर जिस कांच के पैनल पर जोराब खड़ा था उसे तोड़ देती है, जिससे जोराब सेकंड फ्लोर में गिरकर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। जिसके बाद टायलर और निक केटविन और उसके बच्चों को लेकर चॉपर के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो जोराब के आदमियों को मारकर चॉपर पर बैठ जाते हैं। पर जब निक का भाई यहां पहुंचता है तो इधर जोराब आकर उस पर गोलियां बरसा देता है, लेकिन फिर भी ये सभी लोग जैसे तैसे करके चॉपर से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पर इधर निक के भाई को काफी गोलियां लग गई थी जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिससे निक को काफी दुख पहुंचता है और फिर ये सभी लोग टायलर के जॉर्जिया वाले घर पर आ जाते हैं जहाँ पर टायलर की वाइफ भी आती है। यहाँ पहले तो वह अपनी बहन से मिलती है और फिर टायलर से भी कुछ बात करती है। उसे टायलर से बात करते हुए पता चलता है कि टायलर अपने बेटे के आखिरी टाइम पर उसके साथ ना होने के लिए बहुत ज्यादा गिल्टी है। और वहाँ दूसरी तरफ अब सैंड्रू जोराब के साथ था। इधर जोराब के अंकल जोराब से कहते हैं कि वो अपनी इस लड़ाई को पर्सनल बनाकर अपने सारे टीम मेंबरों की जान को फिजूल में गंवा रहा है। अब ये सुनते ही जोराब अपने अंकल को भी गोली मार देता है, जिसे देखकर सैंड्रू को यकीन हो गया था कि उसने जोराब के पास कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसके बाद जोराब टायलर को कॉल करता है और उसे समझौता करने के लिए सेंट जॉर्ज के एयरफील्ड में आने के लिए कहता है, लेकिन टायलर उसे कहता है कि मैं आऊंगा तो समझौता तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इस चैप्टर को एंड करने के लिए टायलर अपने सारे हथियारों को लेकर जोराब का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए निकल जाता है। निक भी उसके साथ जाना चाहती थी पर टायलर उसे यहीं पर छोड़ जाता है, जिसके बाद वो जोराब के अड्डे पर पहुंचकर सबसे पहले वो उसका प्लेन और गाड़ियां उड़ा देता है ताकि वो किसी भी हालत में आज यहां से भाग न सके। और फिर टायलर जोराब के आदमियों को मारकर अंदर पहुंचता है, पर यहां जोराब ने सैंड्रू पर बॉम्ब लगाया हुआ था, इसलिए अब टायलर को मजबूरी में अपनी गन को नीचे करनी पड़ती है। जिसके बाद जोराब सैंड्रू को टायलर को मारकर अपने बाप का बदला लेने के लिए कहता है। सैंड्रू टायलर के ऊपर गन पॉइंट तो कर देता है पर उसके अंदर इतना गुदा नहीं था कि वो गन चला सके और अब उसे समझ में भी आ गया था कि उसकी मॉम अपनी जगह बिल्कुल सही थी, इसलिए अब जोराब टायलर को इधर खुद मारने वाला था। पर तभी इधर पर निक पहुंच जाती है जो जोराब पर हमला कर देती है और फिर यहाँ पर जोराब और टायलर के बीच लड़ाई स्टार्ट होती है, जिसमें टायलर जोराब को बहुत बुरी तरह से मार देता है। पर इस लड़ाई के दौरान टायलर और निक दोनों बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और अब मौका देखकर सैंड्रू भी अपने बॉम्ब के जैकेट को निकाल लेता है। तभी इधर पर लोकल अथॉरिटीज आ जाती है जो टायलर और निक को अरेस्ट कर लेती है और फिर कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ठीक होने के बाद निक और टायलर को जेल भेज दिया जाता है, जहाँ जेल में टायलर से मिलने के लिए उसकी वाइफ आती है और वो टायलर को उसके बेटे के बारे में बताती है कि उसका बेटा हमेशा उसे एक अच्छा और बहादुर डैड समझता था और वो अपने डैड जैसा ही बहादुर बनना चाहता था। अब ये सुनने के बाद टायलर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद टायलर और निक को एल्कॉन जेल से बाहर निकलवा देता है और उन्हें अपने आजादी के बदले में अपने बॉस के लिए काम करने का ऑफर देता है। यहाँ टायलर उसके इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और जब वो पूछता है कि उसका बॉस कौन है तो एल्कॉन उसे बताता है
और फिर यही पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, तभी आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने वाली है।